और माफिया के तो हम क्या हाल कर रहे हैं वो तो आप जान ही रहे हैं, उसके बारे में मुझे लगता बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, आप मुझे बताओ ये जितना काम हम लोगों ने किया है, क्या कोई चेहरा देखकर किया क्या, कोई गांव देख करके किया क्या, कोई क्षेत्र देख करके किया क्या? अरे तो मोदी जी का मंत्र है सबका साथ और सबका विकास। और मोदी जी ने मुझे कहा था कि जब आप की मुख्यमंत्री बनने के बाद जब दौरा करेंगे, सबसे पहला दौरा बुंदेलखंड का थोड़ा करना, क्योंकि बुंदेलखंड की प्यास को भी दूर करना है और बुंदेलखंड के विकास में के बाधा को भी, बैरियर को हटा करके एक अभियान चलाना है। और बहनों और भाइयों, आज जब बुंदेलखंड में बनी हुई तोप गरजती है ना बॉर्डर पर, तो सबसे पहले पाकिस्तान वालों की पैंट भीगती है, सबसे पहले इनकी हालत खराब होती है। और इसीलिए जब चुनाव आ गए हैं, मोदी जी का विरोध दो ही लोग कर रहे हैं। कौन लोग हैं? एक जो रामद्रोही है और दूसरा जो पाकिस्तान का समर्थक है, पाकिस्तान की बोली बोल रहा है। मोदी जी के समर्थन में वह हर व्यक्ति है जो राम भक्त है, जो राष्ट्र भक्त है, जो विकास का समर्थक है, जो गरीबों के उत्थान का समर्थक है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा का समर्थक है, वह हर व्यक्ति मोदी जी का समर्थन कर रहा है। और इसीलिए मोदी जी परसों यहां आ रहे हैं हमीरपुर में, राठ में आएंगे, स्वामी ब्रह्मानंद जी की समाधि पर जाकर के पुष्पांजलि करेंगे और बुंदेलखंड वासियों को अपना संदेश भी देंगे यही इसी धरती से। बहनों और भाइयों, आप मुझे बताओ 2017 के पहले क्या स्थिति थी? डकैतों का आतंक था, बड़े बड़े माफिया थे। आखिर सपा बसपा कांग्रेस ने तो केवल माफिया यहां दिए थे, अराजकता फैला रहे थे, लूट खसोट मचा रहे थे, सड़कों को बर्बाद कर रहे थे, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा खतरे में थी, विकास ठप पड़ा हुआ था। और आज डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड में, एक नहीं दो दो नोट, झांसी से लेके चित्रकूट तक पूरा डिफेंस कॉरिडोर बनाने की प्रक्रिया। हम लोग बुंदेलखंड को नोएडा की तर्ज पर विकसित करने के लिए हमने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। मैं बधाई देता हूं बुंदेलखंड वासियों को। अब हमारा बुंदेलखंड का नौजवान बुंदेलखंड से प्लान नहीं करेगा, एक बार हमें इस योजना को लागू करने दीजिए। मैं आपको आश्वासन देता हूं, बुंदेलखंड का नौजवान तो यहां नौकरी पाएगा ही पाएगा, और बुंदवा नौकरी देने वाला हम उसको बना देंगे और दुनिया आपके पास नौकरी की भीख मांगने के लिए आएगी। बहनों और भाइयों, जब बुंदेलखंड के साथ हम बात करते हैं तो मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, एक कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाजवादी पार्टी ने केवल लूट मचाई थी यहां पर, जो लूट देश के अंदर मचाई थी, जो बर्बादी ये लोग देश के अंदर लाए थे वही ये लोग लेकर के आए हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए, चुनाव केवल चुनाव नहीं है हमारे लिए, मोदी जी ने 10 वर्ष के अंदर देश को बदल करके रखा है। इन 10 वर्षों के अंदर आपने देखा होगा दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद पर नकेल कसी गई, उसकी जो जड़ थी कश्मीर की धारा 370 समाप्त हुई और विकास के बड़े बड़े कार्य हुए, हाईवे, रेलवे, एक्सप्रेसवे, आईआईटी, आईएम, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, यहां पर भी हम लोग मेडिकल कॉलेज बनाने की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। बहनों और भाइयों, चाहे वह IIIT का हो, NIT का हो, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का हो, हर घर नल की योजना का हो, या गरीबों को सुविधा देने का हो, आप सोचो। मैं पूछना चाहता हूं, इस समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीब भूख से मरता था, आज 80 करोड़ गरीब फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
80 करोड़ लोग फ्री में राशन, और पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 23 से 24 करोड़। मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से उभार करके खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाया है। पिछले 10 वर्ष के अंदर पाकिस्तान की जितनी आबादी उससे ज्यादा लोग हमारे यहां गरीबी से उभरे हैं। और पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे होंगे रोज आंदोलन चल रहे हैं, 1 किलो आटा के लिए मारपीट हो रही है। ये छीना झपटी पाकिस्तान के अंदर हो रही, जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं इनसे बोलो कि अगर पाकिस्तान से इतना ही प्यार है तो हिंदुस्तान पे बोझा क्यों बने हो। जाओ ना पाकिस्तान में, वहां भी कटोरा लेके भीख मांगो। धमकी देते हैं कांग्रेस के लोग, इंडी गठबंधन के लोग धमकी देते हैं, कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो, उनके पास एटम बम है। तो हमने कहा भी देखो उनके पास एटम बम है तो क्या हमारा एटम बम फ्रिज में रखने के लिए बना है क्या? अरे पाकिस्तान की इतनी भी आबादी नहीं जितनी आबादी यूपी की है। हमारा देश तो बहुत बड़ा है, पाकिस्तान क्या निपट पाएगा? और उसने जब भी दुस्साहस किया है भारत के बहादुर जवानों ने उसको नेस्तनाबूत ही किया है। और उसमें हमारे बुंदेलखंड का नौजवान तो जब सीमा पर जाता है मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए तो उसकी मार से दुश्मन चारों खाने चित ही होता है। भारत हमेशा विजय श्री का वर्ण ही करता है। और इसलिए बहनों और भाइयों आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आप सोचो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान का कार्ड, कहीं भी जाइए उपचार कराइए। और उत्तर प्रदेश में तो हमने व्यवस्था की है कि अगर किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया है, अगर वह व्यक्ति कोई विधायक के माध्यम से, कोई सांसद के माध्यम से, कोई पूर्व विधायक, कोई पूर्व सांसद, कोई पदाधिकारी या पीड़ित भी मुझे लिख देता है कि मैं बीमार हूं, उपचार की व्यवस्था नहीं है, मैं कहता हूं एस्टिमेट भिजवा दीजिए, अपना आपके अकाउंट में सारा पैसा हम भेज देंगे, चिंता नहीं करनी है क्योंकि सरकार आपकी है। बहनों और भाइयों आज हम भी दे रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए हम गरीबों को भेजते हैं उपचार के लिए, कोई चिंता नहीं क्योंकि जनता जनार्दन की सरकार है, हमारी प्रतिबद्धता जनता के प्रति है और जनता की सेवा हम करेंगे। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, बहनों और भाइयों 12 करोड़ किसान किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है। 12 करोड़ घरों को एक एक शौचालय बना दिया गया है। 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन दिला दिया है। 4 करोड़ घर बन गए हैं, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं। और मोदी जी ने आश्वासन दिया है जितने बचे हैं अगले 5 वर्ष के अंदर उन सभी गरीबों के एक एक मकान बनेंगे। और मैं आपसे कहता हूं आप भी अभी से कार्रवाई शुरू कर दीजिए, कोई हर गरीब के पास एक एक सिर ढकने के लिए आवाज देंगे।